यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है बच्चों, ये एक फिगर हमें दिया हुआ है और बच्चों के अंदर तीन पार्ट हैं, तीनों हमने प्रूव करने हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे गिवन, हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए के ऊपर। ए बी डी इज राइट ट्रायंगल एट ए, और क्या दे रखा है, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये दिया हुआ है। और इसके अंदर तीन पार्ट प्रूव करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं बच्चों। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए बी स्क्वेयर बी सी इंटू बी डी, ठीक है। चलिए प्रूफ में लिखते हैं बच्चों। अब कैसे पता कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखो ए बी स्क्वेयर, यानी हम वो ट्रायंगल लेंगे जिन दो ट्रायंगल जिनके अंदर ए बी कॉमन आता है। देखो ए बी सी के अंदर भी आता है और ए बी डी के अंदर भी आता है, इन्हीं के अंदर चलेंगे। नाउ ये लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी या ए बी सी कोई भी ले लो, लेकिन हम उस फॉर्म में नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं हो किस एंगल से इसको सिंदर प्रूव करना है। लिख लीजिए आप सीधा ही ए सी भी ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी ए बी, इसको रहने दो। हमें एक बात पता है कि ये बीच वाला एंगल तो हमें पता है यहाँ पे ए आएगा, लेकिन ये साइड नहीं पता हमें क्या आएगा, तो करते जाएंगे फिर पता लग जाएगा। तो देखिए बच्चों एंगल सी इसके अंदर बराबर है, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये 90 डिग्री है गिवन है, और एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों में बच्चों कॉमन है। इन्हें बी की प्लेस लास्ट, इसमें भी लास्ट पे लिखो, बच क्या गया डी, इसको आगे लग दो, ऑटोमेटिक अपने आप सवाल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो बच्चों, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल डी ए बी, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पार्ट एक साथ ही हो जाएंगे, हम लिख लेते हैं सीधे इसको ऐसे ही, और क्योंकि हम इनकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं इसको। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए सी अपॉन डी ए, सी बी अपॉन ए बी, और इधर से क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डी बी, ठीक है बच्चों। ये कैसे होता है, लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो प्रोपोर्शन में होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जिसके अंदर ए बी कॉमन है उसको रख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, यानी ये हमें कॉमन चाहिए इसको रख लो आगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी बी बी सी लेता हूँ, बी सी इंटू ए बी, और इसको ए बी अपॉन डी बी कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा ए बी इंटू ए बी और बी सी इंटू डी बी, इट मीन्स ए बी स्क्वेयर बी सी इंटू डी बी, हो गया ये बिल्कुल हो गया, हैंस प्रो। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी के ना चल जाएगा, आगे देखते हैं।
तो बच्चों अब हम करते हैं इस ट्रायंगल को इस बड़े वाले के सिमिलर प्रूव करते हैं। हमें पता है बच्चों इसको हमने किस में सिमिलर किया था, डीएबी के अंदर। तो डीएबी इसकी फॉर्म में लेंगे और उसका फॉर्म में पता नहीं लिखेंगे फॉर सेकंड पार्ट के लिए। नाउ इन ट्रायंगल डीएबी एंड दूसरा में नहीं पता किस फॉर्म में है, ये डीएबी के फॉर्म में है, लेकिन इतना पता है कि उसका सी बीच में आएगा, सी तो बीच में आने वाला है, और डी दोनों में कॉमन है, तो डी इसके स्टार्टिंग में है तो यहाँ लिख देंगे। बस क्या गया, डी सी ए इस फॉर्म में चले गए। करते हैं बच्चों, लिखेंगे एंगल डी ए बी के अंदर, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये तो 90 डिग्री है, और कॉमन कौन सा है, डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ये बच्चों दोनों के अंदर कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बच्चों, वही एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी है। ये एक्चुअल में 6.7 थ्योरम ही है, लेकिन हम इसका बार बार यूज इसलिए करें ताकि हमें होच पोच ना लगे कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर ट्रायंगल डी सी ए, वही एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड दे देते हैं। तो यहाँ से बच्चों में क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा डी ए सी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन सी ए, और डी बी अपॉन डी ए। तो अब की बार हम ये दो साइड, ये वाला लास्ट पर चाहिए, इनको ले लेंगे हम। सेम वही बात जो लास्ट टाइम लिखी थी हमने कि सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो प्रोपोर्शन में होती है, लिख देना यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से मिलेगा हमें डी ए अपॉन डी सी, इसको छोड़ देंगे बीच वाले को, इसको ले लेंगे, और डी बी अपॉन ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा, डी ए मल्टीप्लाई ए डी इज इक्वल टू डी सी इंटू डी बी, और यहाँ से बच्चों क्या आ गया, ये आ गया ए डी स्क्वेयर, और यहाँ से इसको बी डी लिख लेते हैं, बी डी इंटू डी सी, ये इम्प्रूव हो गया, ये पार्ट थर्ड था, ठीक है, हैंस प्रूव। अब सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट इन दोनों के इक्वेशन को हमने कंपेयर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये रहा, ये तो डी ए बी, इधर भी क्या है डी ए बी, तो डी सी ए और ए सी बी दोनों सिमिलर हो जाएंगे, लिखेंगे एंगल ए सी बी सिमिलर एंगल ट्रायंगल डी सी ए, ठीक है बच्चों, थोड़ा मोटा मोटा लिख देते हैं, एंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल डी सी ए। अब इनकी साइड को रेशो में जाएगी सेम, पहले लिखते रही ए सी अपॉन डी सी और सी बी अपॉन सी ए, बस तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ फिर रीजन लिखना पड़ेगा कि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होती है, लिख देना यहाँ पे आप लोग। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सी ए इंटू सी ए या ए सी, और डी सी इंटू सी बी या सी ए। तो यहाँ से बच्चों में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा सी ए स्क्वेयर या ए सी स्क्वेयर, और ये बी सी इंटू डी सी, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो बेटा आसान है, लेकिन सबसे इसके अंदर मेन बात क्या है कि हमें जिस फॉर्म के अंदर हमारा जो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसी फॉर्म को याद रख के चलना पड़ता है, तब हम जाके इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज हम मिस्टेक इसमें होती है, बहुत बार होती है बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।